व्हाट्सअप गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 मिलियन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज गाइस जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल 10 मिलियन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर एक लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। तो आज जो आपके लिए अपकमिंग 4 दिसंबर में जो लॉन्च होगा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, कौन सा फोन और उसकी परफॉर्मेंस, बैटरी विद का कैमरा क्या रहने वाला है, और इसमें प्रोसेसर कौन सा होगा। प्लीज गाइस लास्ट तक देखना वीडियो अगर आप सच में दिस फोन के फैन हैं। जो फोन मैं बताने जा रहा हूँ वो है रियलमी का Q3, ऐसे कुछ फोन है और स्पेशल होगा। तो प्लीज गाइस लास्ट तक देखना वीडियो अगर आप सच में रियलमी ब्रांड के फैन है, और इसमें 5G सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, चलो देखते हैं और बताते हैं कि क्या क्या इसमें फोन के फीचर्स हैं। तो रियलमी Q3S और ये लॉन्च होगा दिसंबर में। तो फर्स्ट ऑफ बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एंड्रॉइड V11 देखने को आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट है परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, इसमें आपको 778G देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है CPU, ऑक्टाकोर प्रोसेसर 2.4 GHz, और इसमें 2.2 ट्राइकोर और 1.9 क्वाड कोर इसमें देखने को मिलेगा CPU। नेक्स्ट है इसमें रैम, आपको 6GB तक रैम देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट है डिस्प्ले, डिस्प्ले की बात करें तो आपको IPS LED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और स्क्रीन साइज की बात करें तो आपको 6.5 इंच स्क्रीन साइज और रिजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल रेट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट है टच स्क्रीन, यस टच स्क्रीन, मल्टी टच स्क्रीन देखने को आपको मिलेगी, और रिफ्रेश रेट गाइस 120Hz रिफ्रेश रेट, तो आप इसमें स्मूथली फोन यूज कर सकते हो बिना किसे हैंग के। तो नेक्स्ट है रियल कैमरा की बात करें तो आपको रियल कैमरा देखने को मिलेगा, ट्रिपल रियर कैमरा, जो फर्स्ट रियर कैमरा होगा वो होगा प्राइमरी 48MP वाइड एंगल कैमरा, जो सेकंड होगा 2MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और थर्ड होगा 2MP माइक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। तो ऑटो फोकस, यस आपको ऑटो फोकस देखने को मिलेगी, तो फ्लैश लाइट, यस LED फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट है इसमें कैमरा फीचर, डिजिटल जूम, ऑटो फोकस और फेस डेडिकेशन, टच टू फोकस इसमें देखने को मिलेगा फीचर। और नेक्स्ट है वीडियो रिकॉर्डिंग, तो आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और फुल HD 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो नेक्स्ट है फ्रंट कैमरा की बात, सिंगल फ्रंट कैमरा और प्राइमरी कैमरा होगा, 60MP वाइड एंगल कैमरा इसको देखने का मिलेगा, तो यस फ्लैश स्क्रीन देखने को मिलेगी साथ में। तो वीडियो रिकॉर्ड आप इसमें फुल HD 30fps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकती हो। अब बात करते हैं बैटरी की, इसकी बैटरी कितने रहने वाली, इसमें फास्ट चार्जर होगा कि नहीं होगा, और जो बैटरी कैपेसिटी है वो होगी 5000mAh बैटरी कैपेसिटी होगी, और नॉट रिमूवेबल, मतलब कि आप इसको फोन से रिमूव नहीं कर सकते, फिक्स आप जितने भी फोन आ रहे हैं उसमें कोई भी रिमूव नहीं कर सकता बैटरी। तो नेक्स्ट है क्विक चार्जर, यस फास्ट चार्ज में सपोर्ट करेगा, और 30W तक फास्ट चार्ज करेगा, तो आपका फोन आधे घंटे में शायद 50% हो सकता है। तो नेक्स्ट है USB टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट है स्टोरेज, तो स्टोरेज की बात करें तो 128GB स्टोरेज और एक्सपेंडेबल 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, और USB OTG तो देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट है नेटवर्क, इसमें 5G सपोर्ट करेगा तो नहीं करेगा, तो देखते हैं इसमें सिम डालेंगी 2, और जो नेटवर्क सपोर्ट 5G सपोर्ट बाय इंडिया नॉट इंडिया सॉरी बाय सपोर्ट बाय डिवाइस बट नेटवर्क नॉट सपोर्ट बाय इंडिया, मतलब कि अभी तक इंडिया में जो 5G है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो आप इसको यूज करते हैं 4G ब्रांड जो है उसमें आप 3G 2G तक इसमें यूज कर सकते हैं, और वारंटी आप देखने को मिलेगी, यस। तो नेक्स्ट है वाईफाई, इसमें देखने को मिलेगा आपको मोबाइल हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ 5.1। तो नेक्स्ट है मल्टी वीडियो लाउड स्पीकर होगा, यस, और इसमें ऑडियो जैक 3.5mm देखने को मिलेगा, सेंसर यस, और फिंगरप्रिंट सेंसर जो होगा वो होगा साइड में। तो अब बात करते हैं इसका प्राइस क्या रहने वाला, अगर आपका बजट 70,000 तक है, मुझे लगता है बहुत ही ठीक फोन है,
70,000 तक है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये लॉन्च होगा दिसंबर में, क्योंकि जो 5G फोन, जो 5G फोन आ रहे हैं वो 30+ 40+ तक आ रहे हैं। ये 5G फोन अभी देखा रियलमी का जो है 70K तक इसको आप बाय कर सकते हो। एक बार फिर से मैं देने जा रहा हूँ हाईलाइट, अगर कुछ मिसिंग रह गया हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको वहाँ पर आंसर दे दूँगा। तो फर्स्ट है एंड्रॉयड V11 इसमें जो होगा, और नेक्स्ट है परफॉर्मेंस की बात करो 7.8G इसमें देखने को मिलेगी, और ओटा को प्रोसेसर 2.4 GHz और 2.2 ट्राइकोर और 1.9 क्वाड कोर इसमें देखने को मिलेगी, और जो रैम होगी 16 तक रैम होगी, डिस्प्ले 6.5 इंच डिस्प्ले IPS डिस्प्ले होगी, और 1080x2400 पिक्सल रेट और 90Hz तक रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। रियल कैमरा की बात करें, ट्रिपल रियल कैमरा होगा, 48MP प्राइमरी कैमरा, 2MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2MP माइक्रो कैमरा, और LED फ्लैश का, और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 44K वीडियो को 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रंट कैमरा जो 60MP वाइड एंगल लेंस कैमरा होगा, स्क्रीन फ्लैश भी होगी विद फुल HD 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है बैटरी की, 5000mAh बैटरी होगी और 30W फास्ट चार्जिंग विद USB-C पोर्ट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज एक्सपेंडेबल 512 तक तो इसमें कर सकते हैं, और ये जिसमें जो नेटवर्क दिया हुआ जो 5G सपोर्ट भी करेगा, तो इसमें प्राइस रहने वाला 17,000, मतलब कि अगर आपका बजट 12,000 तक है तो आप इसको रियलमी Q3S घर लेकर आ सकते हो। ये लॉन्च होगा दिसंबर में। और गाइज मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आप प्लीज़ गाइज लाइक मी, शेयर मी, कमेंट मी और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही देखा, मैं आपके लिए ऐसी लेटेस्ट न्यूज वीडियो लेकर आता रहा। तो मिलता हूँ गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ गाइज जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर रहे। मिलता हूँ गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो।